पहुंच गया हूँ मैं ऑलमोस्ट जयपुर, और ये देखिए क्या हुआ है। ये हमारे यहाँ पर भारत में गाय माता होती हैं, गाय माता जो रास्ते पर बैठती हैं उनकी कृपा है ये। बस क्या कर सकते हैं, बाकी सब कुछ बढ़िया है, छाँव में आया था हूँ। बस ये इंसिडेंट हुआ तो सोचा आपको बता दूँ। बच्चा भी रो रहा है, पता नहीं क्यों रो रहा है। तो सडन हुआ ऐसा कि गाड़ी हम चला रहे थे, हमने ऐसे सर्कल मारा, सर्कल गाय माता थी, गाय माता जी पे स्वाहा हो गया। अब आप लोग मुझे जज कर रहे हैं कि मैंने गाय माता को हिट कर दिया या फिर मैं रैश ड्राइविंग करा था। नहीं, ऐसा नहीं, मैं 80 के ऊपर नहीं चला रहा था फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, जब मैंने सर्कल मारा तो गाड़ियाँ मतलब गाय क्रॉस हो रही थी, उतने में ही दो गाय लड़ पड़ी आपसी में और एक गाय ने दूसरी गाय को मेरी गाड़ी की तरफ फेंक के मारा। तो जैसे ही उन्हें फेंक के मारा तो वो गाय तड़ाम मेरी गाड़ी के ऊपर गिरी। गाड़ी के ऊपर गिरेंगी तो क्या होगा आपको मालूम ही है। ये हुआ तो कुछ नहीं, ऐसा होता रहता है। आप बस, हम ठीक हैं तो सब ठीक है ना, दम रखा ऑलमोस्ट। हाँ, तो ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, छोटा मोटा चीज़ है, होता रहता है। वही ठीक करा रहा हूँ, ठीक कराने के बाद चलता हूँ जयपुर में, जाऊँगा लंच करूँगा। चाय पी ली थी मैंने, रिकॉर्ड करना भूल गया, फ़ोन चार्ज कर रहा था, फ़ोन चार्ज नहीं था। और बस यही है, तो बस मैंने सोचा आपको बता दूँ क्योंकि लोग जज बहुत करते हैं यार। आपका नाम क्या है? रसूल। अस्सलाम वालेकुम। और दूसरे भाई का? विष्णु। भगवान, विष्णु भगवान स्वयं मेरी गाड़ी ठीक कर रहे हैं, क्या हो गया। आए है, चलो जब तक मैं वहाँ जाता हूँ घोड़ों से मिलता हूँ। यार क्या सही लग रहे हैं घोड़े, ओए 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 ओए, मतलब क्या ही प्रैक्टिस चाल हुई घोड़ों की, वाह क्या बात है, बड़ी सही प्रैक्टिस चालू है। क्या बैलेंस कर रखा अंकल ने यार, मस्त ट्रेन करा रहे हैं, वाह। कितने साल का अंकल, कितने साल का है ये? ढाई साल की बच्ची है। ढाई साल की बच्ची है, बहुत खूबसूरत है। अभी तैयारी करी इसकी। तैयारी करी किस चीज के लिए? ये शादी के लिए। अच्छा, शादियों के लिए, मेरे को लगा दौड़ वौड़ में जाती होंगी इसलिए। क्या नाम रखा है आपने इसका? मेरा नाम, इसका नाम काजल। काजल, इसकी आंखें बड़ी प्यारी हैं काजल की। हाँ। क्या बात है काजल, गुस्सा हो रहे हो क्या मैं पास आ रहा हूँ तो? क्रोधित मत हो यार। और आपका नाम सर? मेरा नाम घेवर है। घेवर, घेवर तो खाने के लिए होता ना। भाई का नाम घेवर, आपका नाम भाई? कैलाश सिंह भाई, कैलाश खेर। हाँ बोलो ना भाई। कलर होगा क्या? नहीं कलर नहीं होगा भाई इस पे। क्या बात है, खड़ी होकर दिखा ये बात। ओहो, काजल पूरी पूरी बात सुनती है। आगे बढ़े बेटा, ये बात। क्या बात है, मतलब ये सारे नज़ारे सिर्फ यही देखने को मिलते हैं। और कैलाश भाई कब से कर रहे हैं आप इन घोड़ों को ट्रेन, मतलब भाई? क्या बात है, ये दूसरा 25-26 साल से कर रहे हैं यार, कमाल की आदमी है। इनकी एक फोटो भी ले ली जाए, लगा देंगे हम। क्या बात है, ओहो हो, शादियों में आपके घोड़े फेमस है, मतलब ये दो ही घोड़े आपके पास? और भी है ना? और भी है। अरे पूरा अस्तबल है, अस्तबल दिखाओगे मेरे को? चलो गाओ किशोर भाई, अस्तबल दिखाओ। तो हम जा रहे हैं किशोर, हमें कैलाश भाई के साथ। कैलाश भाई गाना भी गाते हो क्या आप? नहीं नहीं, हम तो डीजे चलाते हैं। अरे तो डीजे चलाते हैं कैलाश भाई का डीजे। डीजे का नाम क्या है? ओहो हो, एवन दबंग। क्या बात है, दबंग सलमान भाई की भी मुझे रख लो। मस्त। तो कैलाश भाई यूट्यूब चलाते हो? यूट्यूब चलाते हैं ना। तो यूट्यूब चलाते हो तो ये अब यूट्यूब पे आएगा, देख लेना। अच्छा, ठीक है, हमारा छोटा सा चैनल है उस पर आएगा। ये घोड़ा है, ये घोड़ा है। क्या बात है, बढ़िया। नाम क्या इसका? बादल। बादल, अरे बादल तो उसका नाम था ना, अरे एक पुरुष तो उनके घोड़े का नाम था बादल। क्या नाम था, अगर आपको पता तो मुझे बताओ। एक बहुत बड़े योद्धा था, उनके घोड़े का नाम भी बादल था। क्या बात है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। बादल, 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 अरे आजा। कैसे बुलाते इसको? अभी ट्रेन नहीं हुआ है। ट्रेन नहीं हुआ, कुछ खाने को दोगे इसको? बादल, ओए, अरे तो सुन नहीं रहा। चलो आगे चलते। आ,
बादल बादल तेरा भाई आया बादल बादल ये ले ओए ये तो सुन ही नहीं रहा खा ही नहीं रहा यार ये तो कला का गलत बात है यार ऐसा थोड़ी होता है मतलब सुन नहीं रहा मेरी यार ये तो भाई मैं अंदर आ दूंगा बता रहा हूँ बादल ले खा रहे यार बड़ा एटीट्यूड है इसके अंदर तो मतलब इस इंसान के अंदर तो हमसे भी ज्यादा एटीट्यूड है हाँ कैलाश भाई मतलब लख मस्त रहा बादल बादल को देख लो एक बार ओए होए होए क्या चाल है अरे इधर आ उसको पेप्सी मिली ना तू ये ले उसको दे उसको नहीं मिला उसको दे नाम तो बता दे ऐसे तो कर दे ऐसे ऐसे तो कर दे ऐसे खेल रहे थे मेरे साथ एक को दिया तो दूसरा लड़ने लग गया दोनों भाई हैं और बस काम चल रहा है हो जाएगा जल्दी फ्रेम तो सही कर दिया क्या नाम है तेरा निश और इधर दोस्त है इधर देखा ओए कितना प्यारा ये हेलो भाई क्या हो गया तेरे को व्हाई यू सैड हेलो व्हाई यू सैड ये ले मेरा हाथ खा ले व्हाई यू सैड ऐसी रहता है चुप चुप चलो इतना सही है ना वो ये ठीक अब सब मिलके साफ कर रहे हैं ये देखो सबके सब लगे हैं बड़ा क्योंकि ये ठीक रहेगी तो हम ठीक रहेंगे ना है ना तो बस इसको साफ कर देते हैं फिर निकलते हैं में जीवन में कठिनाइयां कम होने का नाम नहीं ले रही है बताइए ये हाईवे है मात्र 300 किलोमीटर बचा दिल्ली और ये हाईवे पे जाम देखिए आप मतलब हम लोगों ने कार काम करवा लिया मैंने गाड़ियां काम करा लिया मैंने सोचा कि मैं लेट हो गया गाड़ियां काम करा रहा हूँ और ये सारी चीज़ें करा रहा हूँ पर नहीं मैं लेट तो था पर फिर भी ठीक है चलो लेकिन ये जाम पिछले आधे घंटे से ऐसे ही है तो मैंने सोचा कैमरा निकाल के आपको भी दिखाई दूँ और बता दूँ क्या होता है एक्चुअली में और बहुत स्टूपिड रीज़न होगा इस जाम का बहुत स्टूपिड रीज़न होगा कोई ना कोई आरा टेढ़ा आ रहा होगा उसकी वजह से लग रहा होगा सी 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 इसको देखो ट्रक जा रहा है उसके बीच में से गाड़ी डालनी है ये नहीं कि अपनी लेन में सीधा चले ये भाई साहब को भी दोनों को और ब्लास्टर भी अरे यार सीधा एक ट्रक के भी चलो ना ना जगह दे रहे हो ना तुम जाने दे रहे हो सी आई शो यू द स्टूपिड रीज़न सी ये बंदा गलत आ रहा था एक बंदे की वजह से सब लोग सफर करते हैं सिर्फ एक बंदे की वजह से समझ रहे हो और उसने किसी को ठोका भी आते वक्त गेहूं गिरा हुआ पूरे रोड पे उसने पूरा गेहूं गिरा है रोड पे लगता है उसने किसी को ठोका भी है कुछ नहीं हो सकता सो फार सो गुड चलते हैं यार डेढ़ बजे से मैं हाईवे फंसा हुआ हूँ डेढ़ बजे से सिर्फ 200 किलोमीटर मेरा घर है 200 किलोमीटर और ये जाम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है यार जब से बैठा हुआ हूँ भूख लग रही है भूख प्यास भी लग रही है सब कुछ पर क्या कर सकते हैं क्योंकि जा नहीं सकता है बैरिकेड है उस तरफ नहीं जा सकता चुपचाप एक ही लाइन में चल रहा हूँ और जब से बस चले जा रहा हूँ सोचा थोड़ा आपको बता दूँ हाँ अगर आप लोग आ रहे हो दिल्ली में कोई आ रहा है जो ये व्लॉग देख रहा है तो भाई प्लीज़ जयपुर के पहले एक रास्ता कटता है जो आगरा की तरफ से होते हुए आता है आप वहाँ से आओ आपको थोड़ा कम पड़ेगा मैंने ध्यान नहीं दिया मैंने सीधा आ गया मुझे लगा बिल्कुल खाली होगा जयपुर भी थोड़ा एक बार दोस्तों से मिल लूँगा पर बहुत बड़ी गलती जाम तो प्लीज़ रात में आओगे तो ठीक है दिन में आओगे तो ध्यान रखना गुड टू नो स्टाफ फाइनली टाइम हो रहा है 3:45 एग्जैक्टली अब जाम खुला है ये देखिए और यहाँ शायद कहीं पे आग लग गई है या फिर किसी ने टायर वायर जला दिया है हाँ टायर वायर जला दिया फुल मतलब क्यों करते हैं मालूम नहीं तो बस बहुत ज़्यादा थक गया हूँ भाई मैं हाथ पैर सब दर्द दुख रहे हैं
गंदे वाले। हाँ बस ये बताना था आपको कि जाम ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे बाद के खुला है। हाँ 1:30 बजे से 3:30-4, हाँ समझ लीजिए 3 घंटे जाम में फंसा रहा मैं। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है मुझे, मैं फटफट जा रहा हूँ कोई रेस्टोरेंट या ढाबे पे कुछ खाने के लिए और चाय पीने के लिए। अब बस मुझे जाम ना मिले तो मैं मात्र 2 घंटे के अंदर घर पहुँच जाऊँगा, और अगर जाम मिला या फिर कुछ और चीज़ें तो मैं आपको बता दूँगा, अपडेट कर दूँगा। राइट, टिल देन एंजॉय, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बाय बाय बाय।